चार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाला 13 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे हम जाने कि मेरे को मेरे घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि मुझे घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे घर का मुझे एक दिन का, वन डे का लोड कैलकुलेट करना है कि कितना किलोवाट कंजप्शन होता है। तो मैं एक एजम्पशन करके लगता रहा हूँ कि मेरे घर में दो फैन, दो टीवी, दो लाइट और दो एक प्रेस है, जिनकी मान लेता हूँ मैं 70 वाट के ये हैं, 9 वाट की ये है, 20 वाट की ये हैं और 1000 वाट की ये है। तो अगर दो की बात करें तो 140 वाट, 18 वाट, 40 वाट और ये हो गया 1000। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं टोटल, तो ये मेरा हो रहा है 40, 32, 70, 70 मान लेता हूं मैं इसको, और ये हो गया 1070 की वॉट। और ये जो है मेरा 20 घंटे चल रहा है, 20 घंटे चल रहा है, तो ये हो गया 21400 वाट आवर एक दिन का लोड हो गया। अब मैं इसको KWH में बदल देता हूँ तो इसमें 1000 का भाग लग जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 2.14 KWH। तो मान लीजिए कि आपका एक दिन का जो एनर्जी कंजप्शन है वो 2 KWH का है, 2 KWH का एक दिन का कंजप्शन है, 2 यूनिट आपकी एक दिन की आ रही है। तो मैं अगर बात करूं 1 किलोवाट का सोलर प्लांट अगर मैं लगाता हूं तो अच्छा, गर्मी के समय की बात करें तो अच्छे सीजन, जैसे गर्मी के समय में सोलर एनर्जी ज़्यादा रहती है तो वो जनरली 70-80% जनरेशन कर देता है 1 किलोवाट का। और दिन का जो मेरा रहता है वो 6 से 8 घंटे का धूप रहता है। तो मैं बात करूँ 1 किलोवाट की तो 80 पकड़ के चलें तो 0.8 किलोवाट जनरेट करेगा और वो जनरेट कर रहा है 6 घंटे के लिए, तो ये हो गया 4.8 KWH। अब आपकी यूनिट आ रही है 2 और यहाँ आ रहा है 4.8, तो आपके घर के लिए आधा ही आ रहा है, तो 0.5 किलोवाट का सोलर प्लांट सफिशियंट है, 0.5 किलोवाट का प्लांट सफिशियंट है। लेकिन आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलें तो 1 किलोवाट का मिनिमम है। अगर आपका घर का कंजप्शन 4 KWH है तो 1 किलोवाट का प्लांट लगा लीजिए, अगर 6 KWH है तो 1.5 किलोवाट का, अगर 8 KWH है तो 2 KW का आप घर में प्लांट लगा सकते हैं। तो एक मैं इससे आप देख रहे होंगे एक सीधा सीधा मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल रहा है कि आपके घर का जो कंजप्शन है उसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो मेरा एनर्जी वाला जो जो लोड है, जो प्लांट की कैपेसिटी है वो मेरी आ जाएगी। तो अगर मैं 1 किलोवाट का सोलर का प्लांट है तो 4 यूनिट ले लेगा, 1.5 का है 6, 2 है तो 8, 5 है तो 20। तो अगर आप किसी के घर की 100 यूनिट एक दिन की है तो उसको कितने
किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा वो आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।